गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल केमिस्ट्री विद फन में। हमारी अब तक की यूनिट जो हमने स्टार्ट करी थी वो केमिकल काइनेटिक्स थी, क्लास 12th की यूनिट नंबर 3। इसके अंदर हमने रेट लॉ फाइंड किया था, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फाइंड किए थे, रेट ऑफ कॉन्स्टेंट के जरिए से हमने ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना सीखा था। तो अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ तक के टॉपिक क्लियर कर लिए थे। आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो अपने अगले टॉपिक जो इसके अंदर बाकी बचे हैं वो हम शुरू करेंगे। तो अपने टॉपिक पर जाने से पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है आपका मोलिकुलैरिटी ऑफ द रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन की मोलिकुलैरिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो अब तक हमने रेट को डिटरमाइन किया, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकाला। तो अब आपका मोलिकुलैरिटी ऑफ द रिएक्शन है द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, एटम्स, आयंस या मोलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द एलिमेंट्री रिएक्शन विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल रिएक्शन। यानी कि जो आपके नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज है जो रिएक्शन करते हैं आपके, क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं पूरी एक एलिमेंट्री रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, आपस में कोलाइड करके जिससे केमिकल रिएक्शन हो जाए। तो वो रिएक्शन आपकी तीन तरीके की, इसमें रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं आपके आपके यूनिमोलिकुलर रिएक्शन जिसमें एक मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, बाय मॉलिकुलर रिएक्शन जिसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शन जिसके अंदर तीन मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं पूरी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो अब बात करते हैं इससे जो ट्राई मॉलिक्यूलर से ज्यादा मॉलिक्यूल्स की जो रिएक्शन होती है, जो बड़ी रिएक्शंस होती हैं वो आपकी कुछ सेवरल स्टेप में कंप्लीट होती है, एक ही स्टेप में आप कंप्लीट नहीं हो सकती वो। ये जो आपकी रिएक्शन है ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन हो जाती है, बहुत ही कम समय लगता है इनको रिएक्शन होने में, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे उस वो जो ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन से ज्यादा जो मॉलिक्यूल्स उसके अंदर लगते हैं उन रिएक्शन के बारे में, तो उसकी कैसे मोलिकुलैरिटी होती है वो पढ़ते हैं। तो अभी हमने एग्जाम्पल पढ़े थे आपके एलिमेंट्री रिएक्शन के। अब ये जो आपकी रिएक्शन है ये देखिए काफी बड़ी रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इस टाइप की रिएक्शन को हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो इसके लिए मोलिकुलैरिटी आपकी डिफाइन नहीं होती, बहुत ही स्लो होती है ये रिएक्शन, तो इस वजह से हम इसे कुछ सेवरल स्टेप में कंप्लीट करते हैं, और वो जो आपके स्टेप होते हैं वही आपके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होते हैं, यानी कि रिएक्शन का रेट उन्हीं पर डिपेंड करता है। अब जैसे मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूँ तो हम एग्जांपल लेते हैं एक रिले रेस का। रिले रेस के अंदर जो आपका मतलब प्लेयर है अगर वो स्लो जो दौड़ता है उसी पर आपकी पूरी रेस डिपेंड करेगी, ठीक है। तो जो प्लेयर है, बाकी प्लेयर जो तेज दौड़ने वाले हैं अगर वो हार जाते हैं तो वो पूरा डिपेंडेंट, यानी कि पूरा ब्लेम किसको देंगे, जो आपका पर्सन जो है स्लो आपका प्लेयर जो है दौड़ा कि भाई तू जो है फास्ट नहीं दौड़ा तेरी वजह से हम रेस हार गए। तो यानी कि पूरा जो रेस डिपेंड करती है वो स्लो पर्सन जो उस रेस के अंदर दौड़ता है उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो ऐसे ही आपकी रिएक्शन होती है, यानी कि रेट जो होता है आपका जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसको ही हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, आप एग्जाम्पल ले लीजिए H2O2 का। इसकी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में, आयोडाइड की प्रेजेंस में हमने इसकी रिएक्शन करवाई, अल्कलाई मेटल, ठीक। तो इसकी जो रिएक्शन होगी वो कैसे होगी, सबसे पहले इसके अंदर H2O+ में IO- ये बन जाएगा, ठीक। ये हो गया इसका फर्स्ट स्टेप। उसके बाद सेकंड स्टेप इसका क्या होगा, H2O2 फिर से रिएक्शन करेगा किसके साथ, ये जो आपका आयोडीन और ऑक्सीजन की जो रिएक्शन हुई इसकी, फिर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो H2O+ में आयोडीन निगेटिव अलग और प्लस में आपका ऑक्सीजन अलग। ये आपकी रिएक्शन यहाँ पर जाकर कंप्लीट हुई, यानी कि आपकी दो स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हुई। तो फर्स्ट स्टेप है इसका, ये आपका स्लोएस्ट स्टेप होता है, इसके अंदर ये जो आपका ये बनता है ये होता है आपका इंटरमीडिएट, इसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट, यानी कि एक रिएक्शन को प्रोडक्ट के अंदर कंप्लीट होने के बीच में जो आपका प्रोडक्ट बनता है, एक जो कॉम्बिनेशन होता है मॉलिक्यूल्स का वही आपका इंटरमीडिएट कहलाता है। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये आपका इंटरमीडिएट बना, तो रेट जो है इसका वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसे हम बोलेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इस रिएक्शन का रेट भी इस पर ही डिपेंड करेगा, जैसे रेट क्या था, के कॉन्स्टेंट, H2O2 ये रिएक्टेंट थे तो आई निगेटिव, इसी पर इसका रेट भी डिपेंड करेगा पूरी रिएक्शन का। तो आप समझ गए होंगे ना आपकी मोलिकुलैरिटी रिएक्शन। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो अब कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं मोलिकुलैरिटी ऑफ द रिएक्शन की, कि
क्या प्रॉपर्टी है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इट कैन नॉट बी जीरो एंड इवन फ्रैक्शन बट मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी जीरो। यानी कि जो ऑर्डर होता है किसी भी रिएक्शन का वो जीरो भी हो सकता है, इवन फ्रैक्शन में भी हम उसे ले सकते हैं, बट मॉलिक्यूलरिटी उसकी जीरो नहीं होगी। सेकंड क्या है कि ऑर्डर एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। हम रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो हम एलिमेंट्री रिएक्शन और आपकी कॉम्प्लेक्स बड़ी रिएक्शन के लिए भी हम निकाल सकते हैं, बट मॉलिक्यूलरिटी एप्लीकेबल फॉर ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही केवल एप्लीकेबल है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए इसका कोई मीनिंग नहीं बनता, ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी का। जब हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं प्रोडक्ट के उसमें मैकेनिज्म उसका लेते हैं, तो वो भी सेवरल स्टेप में, यानी कि दो या दो से तीन चार दो स्टेप में कंप्लीट होती है। तो वो जो स्टेप होते हैं वो भी किसमें डिवाइड हो जाते हैं, आपके एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर ही डिवाइड होते हैं। तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टी होगी। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर। अब जो हमारा अगला टॉपिक है ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, इससे क्वेश्चन या इसका डेरिवेशन जरूर आता है आपके एग्जाम में। तो ये आपका है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ठीक है। तो हमने जो रेट लॉ के लिए इक्वेशन पढ़ी वो आपकी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन थी, ठीक है, वो थी एवरेज रेट के लिए। बट ये जो आपकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, हम क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेट हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, उसके लिए हमें स्लोप बनाने पड़ते हैं, टेंजेंट, वो हमने पहले पढ़ी थी, देखा आपने कि ये रेट, इसके लिए हमें यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ी, फिर ट्रायंगल ऐसे। तो इंस्टेंटेनियस रेट आपका बहुत ही स्मॉल होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो आपकी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, यानी कि जो आपका रेट लो था वो क्या था, के ए बी यानी कि रिएक्टेंट की पावर, ठीक, ये रिएक्शन क्या थी, आपकी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन थी। इस डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करके आपके रेट निकालेंगे इंस्टेंटेनियस, या हो गया रिएक्टेंट का ऑर्डर, ये आपके रेट लो था। तो इस रिएक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे। अब इस हम इंटीग्रेट करते हैं इसको केवल दो रिएक्शन के लिए, आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए और आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे उसको। तो आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या था आपका, रेट इज इक्वल टू माइनस के डी आर बाय डी टी इज इक्वल टू के आर की पावर जीरो आएगी रेट। अगर आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो रिएक्टेंट की जो पावर है वो जीरो आएगी यहाँ पे, तो आपकी हो गई इक्वेशन फोर किसके, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब हम इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इसको प्रोसीड करते हैं यहां से, यहां से हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, माइनस के डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के। अब जिसकी पावर अगर जीरो होती है, कोई भी अगर वैल्यू होगी उसकी पावर जीरो होगी, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी वन। तो यहां पर क्या वैल्यू आई, इसकी वैल्यू आ गई आपकी माइनस के डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के। अब यहां से डी टी चला गया इज इक्वल टू से उधर के की मल्टीप्लाई के अंदर, यह माइनस जाएगा इधर आपका डी आर माइनस के डी टी। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड बोथ साइड। अब हम इस रिएक्शन को क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन डी आर का, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका आर इज इक्वल टू, यहां से इंटीग्रेशन क्या आएगा आपका के और टी, और प्लस में आई आपका हो जाएगा इंटीग्रेटेड कॉन्स्टेंट। अब यहां से हम क्या करेंगे, जब टी की वैल्यू इनिशियल रेट के लिए, टी क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा जीरो इनिशियल रेट के लिए, तो इनिशियल रेट जब हम इसमें फाइंड करेंगे तो आपका रेट क्या आएगा, इनिशियल यानी जीरो टाइम के लिए माइनस के मल्टीप्लाई जीरो प्लस आई, ये तो वैल्यू आपकी जीरो हो गई, प्लस आई इधर बच गया, तो आई की वैल्यू आर आ गई, ठीक है। यह आपकी रिएक्शन थी, इसको हम इक्वेशन नंबर वन मान लेंगे। ये आई की वैल्यू हमने पुट की किसके अंदर, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी, ये तो आई की वैल्यू जब हम रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी, इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई की जगह हमने क्या रखना है, रिएक्शन जो जीरो ऑर्डर के लिए आपकी थी, ठीक, ये आपकी इक्वेशन हो गई। यहां से जब हम के की वैल्यू निकालेंगे तो के की वैल्यू आपकी क्या आएगी, के इज इक्वल टू
आर नोट माइनस आर अपॉन टी, यह आपकी के के यानी कांस्टेंट रेट कांस्टेंट की वैल्यू इंटीग्रेटेड होने के बाद ये आपकी वैल्यू है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके। अब नेक्स्ट हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। तो अब रेट कांस्टेंट निकालते हैं आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ये इसका डेरिवेशन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी कि जो आपकी रेट लॉ के अकॉर्डिंग माइनस डी आर कंसंट्रेशन अपॉन डी टी इज इक्वल टू के रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसकी पावर होगी कितनी, वन। तो ये आगे प्रोसीड होगा तो ये क्या होगा, आर चला जाएगा इसके डिवाइड में और माइनस के डी टी, ठीक है, ये माइनस भी चला गया। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड तो एल एन आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई वैल्यू आ जाएगी। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन टाइम इज इक्वल टू जीरो, जब फर्स्ट कंसंट्रेशन होगी तो उसके लिए हम टाइम लेते हैं जीरो। तो जब जीरो टाइम के लिए एल एन आर नॉट यानी आर जीरो इज इक्वल टू माइनस के मल्टीप्लाई, जब टाइम जीरो होगा तो यहाँ पे जीरो वैल्यू रखी जाएगी और प्लस में आई। एल एन आर जीरो इज इक्वल टू आई, इस ये जो आई की वैल्यू निकली यहाँ से इंटीग्रेटेड कॉन्स्टेंट था ये इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर दी। अब एल एन आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन आर जीरो, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन होगी, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये आर चला जाएगा इधर, एल एन आर अपॉन आर जीरो इज इक्वल टू माइनस के टी, यहाँ से कॉन्स्टेंट की वैल्यू आपकी क्या आ गई, वन अपॉन टी एल एन आर इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन जो आपकी सेकंड कंसंट्रेशन है बाद की वो। ये जो आपकी कांस्टेंट रेट कांस्टेंट की वैल्यू है हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2.303 अपॉन टी लॉग। जब हम इसको एंटी लॉग दोनों साइड में मतलब लॉग लेके जब हम इसको सॉल्व करेंगे वो थोड़ा सा आपका लेंथी प्रोसेस है, तो आप डायरेक्ट इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं लॉग आर आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। सो अब हम आगे चलते हैं कि अगर आपका टाइम वन दिया हो और फिर टाइम टू दे रखा हो तो एट द टाइम वन टाइम टू के लिए कंसंट्रेशन क्या होगी, आर वन आर टू, ठीक है, रिएक्टेंट ही होंगे। फ्रॉम द इक्वेशन सेकंड फ्रॉम द टाइम वन, तो क्या लेंगे हम, सेकंड इक्वेशन से इन्होंने टाइम वन की वैल्यू पुट करी। सबसे पहले टाइम वन के लिए निकाला तो क्या आया आपका, एल एन आर वन इज इक्वल टू माइनस के टी वन, जब टाइम टी वन रखा जाएगा प्लस एल एन आर इनिशियल तो जीरो ही रहेगी फॉर टाइम टी टू के लिए। दूसरी इक्वेशन क्या बनी, एल एन जो आपकी कंसंट्रेशन आर टू माइनस इज इक्वल टू में के और टी टू प्लस एल एन आर इनिशियल कंसंट्रेशन, सेम वही। तो जो फोर्थ और फाइव है इन दोनों को जब हम आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या होगा कि एल एन आर वन माइनस एल एन आर टू ये दोनों आपस में माइनस इज इक्वल टू के टी टू माइनस टी वन, इसकी वैल्यू आएगी। और एल एन इनिशियल कंसंट्रेशन और इधर भी एल एन इनिशियल कंसंट्रेशन जब दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो ये तो जाएंगी कट। अब यहाँ पे आपकी जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकली वो वन अपॉन टी टू माइनस टी वन एल एन आर वन अपॉन आर टू यानी कि आर वन कंसंट्रेशन और आर टू कंसंट्रेशन। तो क्वेश्चन में आपकी कंसंट्रेशन देंगे और पूछेंगे रेट कांस्टेंट की वैल्यू, टाइम देंगे टी टू और टी वन, तो आप इस फॉर्मूले से आप उसको निकाल सकते हैं या फिर इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट रख लीजिए क्योंकि एल एन की वैल्यू फिर आपको सॉल्व करनी पड़ेगी वो। तो फिर लॉग आर नॉट अपॉन आर यानी इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल, वही बात है आपकी सेम आर वन या फिर आर टू, ठीक है। तो इन दोनों कोई सी वैल्यू से आप रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये ओके आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको नोट कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इससे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, ये आपका एज इट इज़ भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुके हैं, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।